भारत की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने हाल ही में घोषणा की थी कि 2022 उनका आखिरी सीजन होगा। सानिया ने कहा था कि उनका शरीर अब घटने लगा है, प्रेरणा और ऊर्जा का स्तर भी घटने लगा है, इसीलिए 2022 का सीजन उनके लिए आखिरी है। एक इंटरव्यू में सानिया ने खुलकर अपने संन्यास के बारे में बात की। आइए आपको भी बताते हैं उन्होंने क्या कहा। भारतीय टेनिस स्टार ने कहा कि मुझे बहुत सारे मैसेज, मेरे लिए टेनिस हमेशा मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। मैं उन यादों और उपलब्धियों के लिए आभारी हूँ जो मेरे पास है। मैं साल के अंत में संन्यास लेने की योजना बना रही हूँ। इस साल मैं अपना 100% देने को तैयार हूँ। साल अभी लंबा है, बहुत समय से दिमाग में था कि संन्यास ले लूँ। सानिया ने इंटरव्यू में आगे कहा कि संन्यास लेना मेरे दिमाग में कुछ समय से था और मैं इसके बारे में सोच भी रही हूँ। मैंने जब इस बारे में प्रेस वार्ता में कहा तो पत्रकार हैरान रहे। इस पर मैंने कहा कि मैं 35 साल की हो गई और आप लोगों को इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया मेरे लिए हमेशा से बेहद खास रहा है और यहीं पर मैंने सेरेना के खिलाफ तीसरे राउंड तक खेला। ये महज एक संयोग है कि ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ। सानिया ने आगे कहा कि मुझे लगता है मेरे शरीर को ठीक होने में अधिक समय लगता है। मेरी 3 बड़ी सर्जरी हुई है, 2 घुटने और 1 कलाई की, और शरीर अब उस तरह से काम नहीं कर रहा जैसा मैं चाहती हूँ। शायद मैं अपने शरीर से बहुत अधिक उम्मीद कर रही हूँ। जब आपका बच्चा होता है तो आप जीवन में अलग अलग चीजें चाहते हैं। कुछ प्राथमिकताएं होती हैं और कुछ बदलती भी हैं।